नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक हिंदू संगठनों का संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है। इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई थी। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी भी लगातार यहां पर जो है कई महिलाएं मौजूद हैं जो इस संकल्प यात्रा में शामिल हुई। कुछ क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम स्मृति सिंह रावत है। अच्छा, ये बताइए कि आज इस संकल्प यात्रा में शामिल हुआ, क्या मुख्य मांग है आप लोगों जी? आज हम इस संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं जो कि हिंदू समाज के द्वारा की गई है। हम लोगों ने आज मार्च किया है जो कि मंडी हाउस से जंतर मंतर तक हमने किया है और फिर यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करके हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा देश है, हमारा समाज जो है, ये जो है ये संविधान से चलेगा, जिहाद या शरीयत से नहीं चलेगा। और जो कन्हैया लाल की मृत्यु में जो भी तत्व मौजूद हैं उन सबको जो है दोषी ठहरा करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो देश में जो कट्टरवादी पन चल रहा है, जो जिहाद चल रहा है, इस तरह की सोच जो है इसके विरोध में आज हम लोगों ने जो है अपना ये मार्च निकाला है। हिंदू समाज के लिए महिलाएं भी अब आगे आने लगी हैं। भैया मैंने बोल है, आप बोल लो, उनने बोल दिया, मैंने महिलाएं भी अब आगे आने लगी। हाँ, आने लगी भैया, लेकिन जो है जो हमारे समाज के हैं वो तो सब चीज़ को माफ़ कर देते, और जो ये लोग हैं जो हमारे लोग उनको ऐसे गला काटते, ये कोई अच्छी बात है? तो हमारी सरकार कैसे हुई हुई है? उनको तो थोड़ा कछु सोचना चाहिए कि भाई इतना कुछ हो रहा है और वो लोग कुछ चुप करके बैठे हैं। न्यायपालिका से हम निवेदन करते हैं कि कृपया एक पक्ष ना देखते हुए वो सारा पक्ष देखें और हमें न्याय दें। हम हिंदू समाज के लोगों को अगर इस वजह से कि हम अपनी विचारधारा में बात कर रहे हैं, अगर हम जो हैं हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, इस वजह से अगर किसी भी हिंदू के ऊपर अगर आप कोई अत्याचार करेंगे, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर उनके उसके साथ कोई भी अनफेयर कर रहे हैं, तो हम बार बार ये मार्च निकालेंगे, बार बार अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और चुप नहीं रहेंगे और हम ये आगे बढ़ करके हम हमेशा रहेंगे। नहीं बैठेंगे, क्यों? हमारे भी इतने लोग हैं तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जब हम इन लोग को बर्दाश्त करते तो इनको भी करने चाहिए ना कि ऐसा काम नहीं करने चाहिए। कहना है कि फिर कोई गला ना काटे किसी का और वीडियो ना बनाए, बस मुझे इतना ही कहना। उदयपुर का जो घटना हुआ उसमें क्या दोषियों को क्या सजा दिलवाना चाह रहे हैं? फांसी की सजा, सीधे फांसी। हाँ, वो जो जो ये बिल्कुल फांसी की सजा की मांग हम ले रहे हैं, फांसी मिलनी चाहिए उनको। ये ना केवल एक व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं, ये साथ ही साथ जो है ये बाकी लोग और हिंदू समाज के लोगों को डरा धमका भी रहे हैं, उसको भी उसी जगह पहुंचा दे। अच्छा, हाँ बोल रहे थे कि उनका बेटा भी उस टाइम आ जाता तो उसको भी उसी जगह पहुंचा देते। तो ये सोच जो है ये अच्छी सोच नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से ये था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में आने का गुनाह होता है क्या? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में आया तो गला काट दिया जाएगा और वीडियो बना लिया जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई है ना। तो आप लोग आगे भी सड़क पर उतरते रहेंगे और मांग नहीं मांगेंगे? अपने के लिए तो हम जरूर उतरेंगे सड़क पर। सर ऐसे कटेंगे तो हम क्या सारे पूरे भारत उतरेंगे? भारत संविधान से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि किसी का सरकार दे, तो संविधान किस लिए फिर? तो संविधान सम्मत से देश चलना, बिल्कुल संविधान से चलना चाहिए। हम इसीलिए उतरे हैं कि संविधान से चले, ना कि कहीं पे भी अगर कोई पॉलिटिक्स में आ गया तो गला काट दिए। पॉलिटिक्स नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? अपना कौन चलाएगा देश को आगे? पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कौन बताएगा कि हमारा इंडिया क्या है? मोदी जी ने बताया उसको कि हम भी कुछ है। अब ऐसे अपने घर में एक दूसरे भाई भाई को गला काटेंगे तो फिर संविधान का क्या मतलब बन गया? हटा दो उसको, फिर सब हटा रहे हो आप। मोदी जी यही बताना चाह रहे हैं कि हम भी दिखा रहे हैं वर्ल्ड में कि हम कुछ है। अब ऐसे आप लोग देश से आ रहे हो, भाई भाई का गला काट रहे हो, तो संविधान तो कहीं नहीं रह गया, विश्वास ही नहीं है ना उन लोगों का। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुँची थी और इन तमाम लोगों की एक ही मांग है, चूँकि जिस तरीके से जो उदयपुर और अमरावती का घटना हुआ उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।